Hello students, welcome to Nand class. My name is Kuntal Pandya. Students, आज हम 10th NCERT की book First Flight का chapter 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है The Black Aeroplane. So let us begin. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जो चांद था वो ईस्ट में आ चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो ये जो पर्सन है वो आसमान में अपना प्लेन लेकर उड़ान भरने के लिए निकल चुका है. वो देखता है कि उसके ईस्ट डायरेक्शन में चांद निकल चुका है और आसमान में तारे चमक रहे हैं और पूरे आसमान में बादल नहीं दिख रहे हैं. वो काफी खुश था क्योंकि वहां पर कोई बादल नहीं थे. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो अपने हॉलीडे के सपने देख रहा था, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के सपने देख रहा था. I looked at my watch, 1:30 in the morning. उसने अपनी वॉच को देखा तो उसने देखा कि 1:30 हुए हैं सुबह के. I should call Paris control soon, I thought. उसने सोचा कि उसको पेरिस कंट्रोल रूम को फोन करना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे ही उसने एरोप्लेन से नीचे की ओर देखा, उसने बिग सिटी की लाइट्स को देखा. I switch on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो उसने पेरिस कंट्रोल को फोन लगाकर अपने बारे में बताया कि वो इंग्लैंड की ओर जा रहा है. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS-088 over. तो रेडियो में से उसे एडवाइस मिली कि उसको वेस्ट की और 12 डिग्री मुड़ जाना है. I check the map and the compass. Switch over to my second and last fuel tank and turn the Dakota 12 degree west towards England. तो उसने जैसे उसको इंफॉर्मेशन दी गई उसी तरीके से अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ दिया. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. उसने सोचा कि वो breakfast के वक्त तक तो इंग्लैंड पहुंच ही जाएगा. सब कुछ सही जा रहा था और वो बहुत आसान उड़ान थी उसके लिए. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. उसने पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और अचानक से उसने बड़े बादल देखे. They were huge, they looked like black mountains. वो इतने बड़े थे कि वो काले पर्वत के जैसे दिख रहे थे. I knew I could not fly up over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. उन बादलों के ऊपर से उड़ान भरना मुश्किल था और उसके नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में से भी गुजर जाना मुश्किल था क्योंकि उसके पास काफी कम फ्यूल था. I ought to go back to Paris. उसने सोचा कि शायद उसे अब पेरिस चले जाना पड़ेगा वापस. But I wanted to get home. लेकिन उसे तो घर जाना था. I wanted that breakfast. I'll take risk. तो उसने रिस्क लेने की सोचा. Flew that old Dakota straight into the storm. तो उसने रिस्क लेकर उस स्टॉर्म में, उस तूफान में अपने प्लेन को डाल दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. Aeroplane ke bahar kuch bhi nahi dikh raha tha. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It was not work. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. उसने कंपास की ओर देखा तो कंपास पूरा बिगड़ चुका था. वो पूरा गोल 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 घूम रहा था. थोड़ी देर में उसने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखा तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो चुके थे, काम करना बंद कर चुके थे.
पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, उसने रेडियो पर यह कहा। देयर वॉज नो आंसर, वहां से कोई भी आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज स्टेट टू, रेडियो भी बिगड़ चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब वो तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तो उसी ब्लैक क्लाउड्स में उसे एक और एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन उसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स नहीं बनी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उसने उस प्लेन को उसके पास उड़ते हुए देखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस, उसने पायलट के फेस को भी देखा। टर्न टूवर्ड्स मी आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड व्यूड, वो काफी खुश हो गया किसी और इंसान को भी उसके पास पाकर। तो जो दूसरे प्लेन में जो पायलट बैठा था उसने अपना हाथ ऊपर किया और इस पायलट की ओर व्यू किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, शायद वो जो दूसरा पायलट था वो उसे इंडिकेशन दे रहा था कि फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प, उसे लगा कि उसको पता चल चुका है कि मैं घूम चुका हूँ और इसीलिए शायद वो मुझे मदद कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसने अपने प्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ लिया था ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक अन ऑबिडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बालक की तरह। मैं काफी खुश था उस प्लेन को फॉलो करने के लिए। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब उसके प्लेन में बस 5 से 10 मिनट चल सके उतना ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, अब उसे डर लगना वापस शुरू हो चुका था। लेकिन उसने देखा कि वो जो दूसरा एरोप्लेन था उसने नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और इसीलिए उसने भी उसको फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, अब वो अचानक से क्लाउड से बाहर आ चुका था और उसे रनवे दिख रहा था। इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, अब उसे पता चल गया कि रनवे पर वो आ चुका है तो वो सेफ हो चुका है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, उसने पीछे मुड़कर उस दूसरे एरोप्लेन के लिए देखा लेकिन पूरा आसमान खाली मिला। देयर वॉज नथिंग, वहां पर कुछ नहीं दिखा उसे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो वहाँ पर control center में जाकर एक women से पूछता है कि वो कहाँ था और उसके साथ जो दूसरा pilot था वो कहाँ है, वो उसे thank you कहना चाहता है। She looked at me very strangely, उसने काफी strangely देखा और वो हंसी। Another aeroplane, दूसरा plane, up there in this storm, इतने तूफान में। No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तुम्हारे अलावा कोई भी प्लेन इस तूफान में नहीं उड़ रहा था। So who helped me? तो अब वो सोचता है, तो फिर उससे किसने मदद की? To arrive there safely without a compass or a radio. बिना कंपास के और रेडियो के वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? Without any more fuel in my tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane? तो strange black aeroplane में वो pilot कौन था? Flying in the storm, जो तूफान में उड़ रहा था without lights, बिना किसी lights के। तो students, I hope आपको ये story समझ में आई होगी। So bye students, this is all for today. Thank you very much for watching this video.